लगा कार लग रहा है ये कलर चुक रहा है ये कार और कलर पे सब नीचे। पहले हिंदी बोलो। बोल रही हूँ बोल रही हूँ मैं बोल रही हूँ ऐसे बोलो ओके बाय सब्सक्राइब ओके बाय ओके बाय ओके बाय सब। हाय गाइस आज फिर से ब्लॉग करना। आजकल मैं बहुत जल्दी जल्दी ब्लॉगिंग कर रही हूँ और मुझे बहुत ज्यादा मजा भी आ रहा है। मेरे बालों का सत्यानाश हो रखा है काफी टाइम से और मैं काफी टाइम से सोच रही हूँ कि मेरे को केराटिन वापस ही करवा लेना चाहिए। मैंने लास्ट करवाया था लास्ट टू लास्ट ईयर तो इट्स बीन मोर देन अ ईयर। वैसे मुझे इतनी कोई खास जरूरत नहीं थी बट शूट करना होता है ना तो बहुत ईजी रहता है, बार बार स्ट्रेट नहीं करने पड़ते और काफी मैनेजेबल हो जाते हैं। दैट इज़ वाई तो अभी मैं जा रही हूँ GIP नोएडा में। मैंने वहीं से करवाया था लास्ट टाइम हबीब से और मेरा एक्सपीरियंस सही था। आई थिंक केराटिन का अपडेटेड वर्जन है शायद बोटॉक्स। सो देखते हैं अगर वहाँ पे ये ऑप्शन भी अवेलेबल हुआ तो आई थिंक आई माइट गो फॉर बोटॉक्स क्योंकि आजकल वो काफ़ी चल रहा है। सब कह रहे हैं कि वो ज़्यादा कम हार्मफुल है, मतलब केराटिन भी कम हार्मफुल है एज कम्पेयर टू रिबॉन्डिंग वगैरह। बोटॉक्स सबसे ज़्यादा सेफ ऑप्शन है। सो या कैब आ रही है अभी हमारी एंड वहीं मिलते हैं फिर डायरेक्टली GIP मॉल। आउटफिट में मैंने बहुत ही सिंपल सा पहना हुआ है, दिस इज़ फ्रॉम H&M और जीन्स भी H&M की है। हाय घुटने मेरे और बस कुछ भी नहीं। हाँ अभी बंद करने के लिए किसने बोला भाई? सामने लोग देख रहे हैं बंद कर दे। हाय गाइस आज है अगला दिन। मैंने सोचा कि आपको नेक्स्ट डे का भी थोड़ा लुक दिखा देती हूँ कि कैसे लग रहे हैं। मुझे आपको एक बहुत ही सुंदर सी चीज भी दिखानी है सो स्टे ट्यून्ड। पर पहले बात कर लेते हैं बालों के बारे में। मैंने लास्ट टू लास्ट ईयर केराटिन करवाया था और वो मेरा 1 ईयर लास्ट किया। मुझे एक साल बाद जरूरत पड़ी कि हाँ मुझे वापस से करवा लेना चाहिए एंड मैंने करवाया है बोटॉक्स ट्रीटमेंट, केराटिन नहीं करवाया बिकॉज ऑप्शन अवेलेबल था तो मैंने सोचा एक बार ये भी ट्राई करके देख लेते हैं। ऑनेस्टली मुझे प्रोसीजर में कोई भी डिफरेंस नहीं लगा एंड आई थिंक कोई डिफरेंस है भी नहीं। इट्स अबाउट द प्रोडक्ट्स, केराटिन एंड बोटॉक्स के प्रोडक्ट्स डिफरेंट होते हैं ऐसा उन्होंने बोला। प्रोसीजर इज एग्जैक्टली द सेम एंड मैंने ये सोचा था कि मैं पूरा प्रोसेस पूरा शूट करूंगी बट इतने बार हेयर वॉश हो रहा था, इतने बार कुछ कुछ हो रहा था ना, देन बीच में ही आई लॉस्ट द ट्रैक और पूरा प्रोसीजर नहीं कर पाई शूट बिकॉज मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गई थी कि अब क्या किया, अब क्या मिक्स कर रहे हैं। एंड ऑनेस्टली मुझे शर्म आ रही थी उनसे ना बार बार पूछने में कि अब ये क्या आप मिक्स कर रहे हो। बोटॉक्स ट्रीटमेंट के साथ साथ मैंने कलर भी करवाया है। आई डोंट नो कैमरे पे कितना दिख रहा है, नेचुरल लाइट में थोड़ा ज्यादा दिखेगा जब मैं बाहर जाऊंगी बट ये पूरा पार्ट यहाँ से लेकर यहाँ आई थिंक बालियाज बोलते हैं इसको, पूरा ये आप देख सकते हो इट्स लाइक पूरा ब्राउनिश। मैंने उनको बोला था कि मुझे थोड़ा ब्राउन टोन चाहिए, गोल्डन ब्राउन ऐसा कलर, तो मुझे बहुत ज्यादा बढ़िया लग रहा है। देखूंगी मैं कि कितना दिन चलने वाला है और उसके अकॉर्डिंग आई शेयर माई रिव्यूज, कभी फ्यूर शॉर्ट्स भी डालूंगी कि बोटॉक्स ट्रीटमेंट मेरा कितने महीने चला। हेयर फॉल के बहुत सारे क्वेश्चन होंगे आपके दिमाग में कि केराटिन करवाने के बाद हेयर फॉल होता है नहीं, बोटॉक्स के बाद होता है नहीं। मैं सिर्फ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, मैंने काफी लोगों को देखा है कि उनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है। इट टोटली डिपेंड्स कि आपके बाल कितने हेल्दी हैं फर्स्ट ऑफ ऑल एंड आप कितनी केयर कर रहे हो कोई भी ट्रीटमेंट करवाने के बाद बिकॉज वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको केयर तो बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी अदरवाइज हेयर होगा। प्राइसिंग की बात करूं तो मुझे सही नहीं पड़ा, जब मैंने लास्ट टाइम केराटिन एंड कलर दोनों करवाया था
तभी भी मुझे 8-9 हजार रुपए देने पड़े थे एंड इस बार भी मेरे को अकेले 9,000 रुपीज लगे हैं प्लस 18% GST एंड सेम जो ट्रीटमेंट मेरा हुआ है वो मैंने अपनी बहन का भी करवाया है. सो हम दोनों का टोटल मिला के 20,000 प्लस पड़ा था. काफी दिल में दर्द हुआ मेरे को 20,000 रुपए देते हुए, बट आई वॉज लाइक ओके मैंने 1-1.5 साल बाद करवाया है तो ठीक है, इट्स फाइन. तो अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस और रिव्यू शेयर करूँ तो मैं तो हर बार केराटिन करवाऊंगी क्योंकि मेरे बाल बहुत ज्यादा मैनेजेबल हो जाते हैं. जैसे अभी लिटरली मैं जस्ट सो के उठी हूँ, मैंने ना अपना मुंह धोया है ना कुछ किया है, बालों पे तो मैंने ऐसे भी नहीं किया. सो आप देख सकते हो हाउ मैनेजेबल दे आर, कुछ करने की जरूरत नहीं है. एंड सेकेंडली मैं वीडियोज वगैरह शूट करने में मुझे बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी. सो दैट वॉज द ओनली मेन रीजन ये करवाने का, बिकॉज शूट करते वक्त ना फिर आलस आता है कि यार अभी हेयर वॉश करना है, फिर बालों को सुखाना है, फिर उसको स्ट्रेट करना है और मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आता उसमें. सीरियसली मुझे बहुत आलस आता है. सो दैट इज वाई ये मैंने करवाया एंड नाउ आई एम वेरी हैप्पी. आई थिंक सनलाइट में और ज्यादा सुंदर लगे ऐसा मुझे लगता है. ऑल राइट, सो ये था जो भी इन्फॉर्मेशन थी. बाकी आपको कुछ भी क्वेश्चंस है ना तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ लेना, मैं आप लोग को रिप्लाई कर दूंगी अगर कुछ भी आपको और पूछना है तो. नेक्स्ट मैं आपको ना कुछ बहुत ही अच्छी चीज दिखाने वाली थी, बहुत ही रैंडम है. सो मेरी बचपन की दोस्त की शादी है ऑन 7th February और मैंने उसके लिए मतलब खुद के लिए लहंगा ऑर्डर किया ऑनलाइन. BL फैब्रिक करके एक वेबसाइट है, वहां से. वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, फ्री का एड दे रही हूँ मैं. मुझे ऐसा लग रहा था पता नहीं कैसा लहंगा आएगा बट मुझे काफी ज्यादा सुंदर लगा. आई वॉजंट एक्सपेक्टिंग, सो मैंने सोचा आप लोगों को दिखा देती हूँ बिकॉज शादियों का सीजन है, आप लोगों को भी शायद लहंगे चाहिए होंगे. सो आप इस वेबसाइट को जाके देख सकते हैं. तो पहले मैं आपको स्कर्ट दिखाती हूँ. सो मैंने ग्रीन कलर में लिया है और ये वेलवेट वाला जो फैब्रिक होता है ना वो है. सो दिस इज द लहंगा. वेट, सो दिस इज द स्कर्ट. वेरी प्रिटी, मैंने रात में ट्राई करके देखी थी, इतनी ज्यादा सुंदर लग रही थी. इसकी जो फिनिशिंग है ना वो बहुत ही अच्छी है और बॉर्डर भी बहुत ज्यादा प्रिटी है. रियली लाइक इट. एंड इसमें कैन लगा हुआ आया है, दिस इज सेमी स्टिच्ड तो मुझे इसे स्टिच करवाना पड़ेगा अपने साइज के अकॉर्डिंग, बट द लहंगा इज ब्यूटिफुल. इसके साथ ब्लाउज का फैब्रिक भी आया है जो कि एग्जैक्टली सेम है. तो मुझे ऐसा ही चाहिए था जिसमें ना पहले से ब्लाउज के कपड़े पे डिजाइन ना बनी हो क्योंकि मुझे अपने अकॉर्डिंग सिलवाना है, अदरवाइज वो ना नेक लाइन सब कुछ पहले से बनी हुई आती है तो वो मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए था. तो आई एम हैप्पी कि ये पूरा ऐसे नॉर्मल फैब्रिक है जिसे लहंगा एग्जैक्टली सेम. और इसके साथ ना ये अस्तर वाला कपड़ा भी आया हुआ है, कहाँ गया ये रहा, तो आपको अलग से लेने की भी जरूरत नहीं है. एंड टुडे इज 4th February, शादी 7th को है तो आई डोंट नो मेरा ये कौन सिलने वाला है और कौन इतनी जल्दी देने वाला है. जो इसका दुपट्टा है ना वो नेट का दुपट्टा है और इसका बॉर्डर भी बहुत ज्यादा प्रिटी है, बिल्कुल सेम है जो स्कर्ट का है. पूरा नहीं खोल रही मैं बट बिल्कुल सेम ऐसा ही है पूरा. सो दैट्स अबाउट इट. यही मेरे को लहंगा दिखाना था आपको क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा. एंड प्राइस इसका पड़ा 6,000 रुपीज. मैंने ऑफलाइन स्टोर्स पे जाके देखा था, बहुत महंगे मिल रहे थे तो काफी अच्छा ऑप्शन है. बस ये कि आपको सिलवाना पड़ेगा तो आप थोड़ा टाइम से पहले ले लेना और स्टिच करवा लेना एज पर योर चॉइस. आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर 7th February नाउ. आई होप यू रियली एंजॉयड द वीडियो. और कुछ भी आपको कमेंट्स में पूछना है कि ना आस्क मी. मुझे तो ब्लॉग्स बनाने में बहुत ज़्यादा मजा आ रहा है और आपको भी मजा आ रहा है तो प्लीज़ मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर देना. प्लीज़ लाइक द वीडियो इफ यू जेन्युइनली लाइक्ड इट. और अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में. बाय. तो मेरे बाल कैसे लग रहे हैं? मैं तो बुढ़िया दिख रही हूँ और तेरे कैसे लग रहे हैं उससे मुझे अब बताओ लेना. बाल कैसे लग रहे हैं? लग रहा है ये कलर चुक रहा है, ये कारो कलर पे सब नीचे. पहले हिंदी बोलो. हिंदी क्या कहूँ, बोल रही हूँ तो बोल रही हूँ, मैं तो बोल रही हूँ. चलो आपने एक बार पहले बोला था ना चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वैसे बोल दो. चलो चलो अच्छे. अरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलो. कैसे चला रहा? ऐसे बोलो ओके बाय सब्सक्राइब. ओके बाय. ओके बाय. ओके बाय सब्सक्राइब.